धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि आज का ये दिन वो आपने बनाया है कि हम इसमें आनंदित हो सके। और प्रभु जी, आपके फाटकों में हम प्रवेश किए हैं आनंद के साथ और स्तुति के साथ। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं तेरी आराधना करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचे उठाने के लिए प्रभु यीशु, क्योंकि तेरा नाम सर्वोच्च है प्रभु, तेरा नाम सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जो यहाँ पर आए हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप उन्हें सुरक्षित लाए हैं प्रभु जी, जो रास्ते में है प्रभु उन्हें सुरक्षित लाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, एक साथ मिलकर हम तेरी आराधना करने पाए प्रभु, तेरी स्तुति करने पाए। महान जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, आप हर एक को अपने नजर में रखते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जबकि हम स्तुति और स्तुति के गीत गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, होने पाए कि आप इस मंदिर में आ जाए, यहाँ पर आपकी उपस्थिति बसने पाए प्रभु, और प्रभु जी अपने सिंहासन को हमारे मध्य में आप स्थापित करें। हालेलुया, अपने सिंहासन पर विराजमान हो प्रभु। हालेलुया, यही हमारी प्रार्थना है। हालेलुया, आज की सुबह तेरी महिमा होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। आनंद के साथ, खुशी के साथ ताली बजाते हुए आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, एक बार फिर से, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार। से बचाता, बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार। पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग है उसका सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी जय जयकार हो, तेरी प्रशंसा हो, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे पृथ्वी के ऊपर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर, पूरे पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आकाश और सारी भूमंडल आपके नियंत्रण में होने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरा ही राज्य स्थापित होने पाए हमारे मध्य में, तेरा ही राज्य, तेरा ही सरकार स्थापित होने पाए प्रभु जी हमारे मध्य में, इस पृथ्वी पर, हमारे देश में, हालेलुया। यीशु का नाम ऊंचे उठने पाए, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इज़राइल का स्वामी राजा एक ही प्रभु, सत्य जीवन मार्ग है तू प्रभु, मनुष्य में जन्म लिया है प्रेमी प्रभु, सत्य जीवन मरने वाला प्रभु। इज़राइल का स्वामी राजा एक ही प्रभु, सत्य जीवन मार्ग है तू प्रभु, मनुष्य में जन्म लिया है प्रेमी प्रभु, सत्य जीवन देने वाला प्रभु। अपना पिताजी है प्रभु, तेरा ही राज आए, तेरी ही इच्छा पृथ्वी पर हमेशा पूरी हो जाए। अपना पिताजी है प्रभु, तेरा ही राज आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर हमेशा पूरी हो जाए। ताली बजाए। समुद्र में तूने रास्ता बनाया, मरुस्थल में लोगों को मन्ना खिलाया, तपती धूप में बादल बना, अंधकार और प्रेम में ज्योति बना, आना सत्य तू ही है, तेरे उस नाम की महिमा हो। लाल समुद्र में तूने रास्ता बनाया, मरुस्थल में लोगों को मन्ना खिलाया, तपती धूप में बादल बना, अंधकार में प्रेम की ज्योति बना, मार्ग और सत्य तू ही महिमा हो। अब्बा पिताजी है प्रभु, तेरा ही राज आए, तेरी ही पृथ्वी पर हमेशा।
रूप में अवतार हुआ, पृथ्वी पर जीवन बलिदान किया, महिमा का दिव्य भोज बना, इस संसार का जीवन बना। मार्ग और तू ही है, तेरे उस नाम की महिमा हो, मनुष्य के रूप में अवतार हुआ, पृथ्वी पर जीवन बलिदान किया, महिमा का दिव्य भोज बना, इस संसार का जीवन बना। मार्ग और सत्य तू ही है, तेरे उस नाम की महिमा हो। अब्बा पिताजी है प्रभु, तेरा ही राज आए, तेरी ही इच्छा पृथ्वी पर हमेशा पूरी हो जाए। अब्बा पिताजी है प्रभु, तेरा ही राज आए, तेरी ही इच्छा पृथ्वी पर हमेशा पूरी हो जाए। इस्राएल का स्वामी राजा एक ही प्रभु, सत्य जीवन मार्ग है तू प्रभु, मनुष्य में जन्म लिया है प्रेमी प्रभु, सत्य जीवन देने वाला प्रभु। अब्बा पिताजी है प्रभु, तेरा ही राज आए, तेरी ही इच्छा पृथ्वी पर हमेशा पूरी हो जाए। अब्बा पिताजी है प्रभु, तेरा ही राज आए, तेरी ही इच्छा पृथ्वी पर हमेशा पूरी हो जाए। हर एक जन, हर एक व्यक्ति यीशु आपके नाम को जानने पाए, आपके नाम को पहचानने पाए, हर एक नाम के ओ प्रभु जी हर एक घुटना टिकने पाए, हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु आप ही राजा हैं, आप ही शासक हैं प्रभु, हालेलुया, और आपका राज्य चलने पाए प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, हालेलुया। वो योग्य है, वो योग्य है, हालेलुया। सारी प्रशंसा स्तुति और धन्यवाद का योग्य प्रभु है, हालेलुया, हालेलुया। इतने आशीषों से प्रभु ने हमें आशीषित किया है, बीते दिनों में प्रभु ने हमें हमेशा सारे आशीषों से उंडेला है, हालेलुया। प्रत्येक दिन हमें हमें बचा के रखता है, प्रत्येक दिन हमारे सारे जरूरतों को पूरा करता है, हालेलुया। यीशु की महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। Oh yes,
से तेरी तू इस जगह को जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर आले धन्यवाद यीशु हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु परमेश्वर है बड़ा करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है हालेलुया प्रत्येक दिन जब मैं सुबह उठता हूँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने मुझे ये नया दिन दिखाया है प्रभु आपने मुझे सांस दिया है कि हम उठने पाए आपने हमें ताकत दिया है कि मेरे हाथ पांव चले हालेलुया और कार्य करे और तेरी महिमा को कर सके प्रभु यीशु करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे एक बार फिर गाएं हालेलुया करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है हालेलुया और जब मैं पुकार दूं प्रभु तू हमें उत्तर देता है हालेलुया और जब मैं गिरता हूं मुझे उठाता है प्रभु जैसा कोई नहीं है हमारा यीशु जैसा कोई नहीं है क्योंकि यीशु हमें सुनता है वो हमें देखता है वो हमारे हर एक दर्द को महसूस करता है वो जानता है कि हम किस मार्ग से जा रहे हैं वो जानता है कि हम किस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और प्रभु हमारे हर एक बातों से वाकिफ है और इसलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है हालेलुया हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्योंकि तू हमारे लिए मौजूद है तू हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है यीशु हम धन्यवाद देते हैं सारे जहां तुझसे है कुंदही तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं घुटने में टेक तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हाले हाले
पुकारो, यीशु को पुकारो, यीशु को पुकारो, वो आपकी सुनेगा, वो सुनेगा, स्वर्ग से सुनेगा और स्वर्ग से उत्तर देगा। यीशु के नाम से तुम्हारे सारे बीमारी छंगे होते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे जंजीरें टूट जाते हैं, यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ रब शंद रब बब से ही रद रब बब शंद लब सखन दरब। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, liberende re 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 पवित्र 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 है तू, पवित्र है, पवित्र है तू, योग्य है, योग्य है तो तू, सामर्थ्य है, तू सामर्थ्य है तो दिवशांति नमस्ताला रखो छोरी अबरे, तू सामर्थ्य है, तू न्याय है, ओ आई है तू, धर्मी है, धर्मी है, धर्मी है, हीरा बाला वर्षो रे बसा देना नमारी खताया रे खोबरे बड़ी खाले रे हीर मसा देना नमाश बोरे से योरो बुकुरा बसा बाला रसा देने में। हालेलुया 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 ओ नेबशेरा ना मसादे ने ने में तू योग्य है, तू योग्य है, योग्य है, ही करुणा में है, करुणा में है, दया निधि है, हाँ कृपालु है, तू ही योग्य, तू ही योग्य, तू ही योग्य है। हालेलुया 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 ओ Shamala bare basan dere dere, dina bara khachore bare, ana basan dere dere bolo, pura bala bara shara basa bara dere dere, oh samarthi hai, pura bale bare shara dere dere besi bara, hallelujah hallelujah hallelujah, har ek jan apne haathon ko swar ki or uthaye. जीवित यहोवा परमेश्वर, आज की सुबह आपको स्पर्श करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को खोलना है, आपको अनुमति देना है कि पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करे, उसके लिए आपको अपने आप को समर्पित करना है। यदि आप अपने दिल के द्वार खोलेंगे तब पवित्र आत्मा अपने कार्य को करेगा, यदि आप अनुमति देंगे तो प्रभु यीशु अपने कार्य को करेगा, वो बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार खड़ा है। आपके जीवन पे यदि कोई श्राप है तो उस बंधन को तोड़ने के लिए तैयार खड़ा है। यदि आपको चंगाई की आवश्यकता है वो तैयार है, आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। योग्य 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 यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। आज की सुबह आप में से यदि कोई यहाँ पर है जो शारीरिक रूप से बीमार है,
मैं चाहता हूं आप वेदी पर आए, आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं जल्दी से बिना समय गवाए, जिन्हें शारीरिक चंगाई की जरूरत है और बिल्कुल वेदी से सट कर खड़े हो। आज की सुबह पवित्र आत्मा अपने अद्भुत कार्य को करना चाहते हैं। यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं चंगा करने का ना केवल सामर्थ्य रखता हूं परंतु मैं एक चाहत भी रखता हूं। ना केवल मैं योग्य हूं परंतु मैं चाहत रखता हूं। मेरी इच्छा है कि तुम चंगाई पाओ, लेकिन उस चंगाई प्राप्त करने के लिए हमको और आपको चाहिए सबसे पहले हम अपने अहम को किनारे रखें और इस बात को अंगीकार करें कि हमें चंगाई की जरूरत है और केवल यीशु मसीह वो चंगाई दे सकता है। इस बात को आपको अंगीकार करना है और आज की सुबह यदि आप इस बात के लिए तैयार हैं, साथ में अपने आप को नम्र करके आप यदि इस ईश्वर इस प्रभु यीशु के पास आए और कहें, प्रभु मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, जरूर हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन कमियों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर से आप दूर करो, मुझे दिखाओ कौन सी वो कमियां हैं और यदि मुझे कुछ कार्य करना है तो मैं कार्य करने को तैयार हूं। इस बात के लिए आप यदि रेडी हैं, क्योंकि कई बार जो लंबे समय की बीमारियां होती हैं अधिकतर बार वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि क्षमा करना शारीरिक चंगाई से क्या लेना देना, बहुत संबंध है उसका। वचन को यदि आप पढ़ेंगे बाइबल में, वो इस बात पर जोर देती है कि जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तब तक हमारे मन में कड़वाहट बढ़ता जाएगा और जब कड़वाहट बढ़ती है वो कड़वाहट जो मन में है और जो दिल में है वो कड़वाहट फिर शरीर में प्रकट होता है, इसीलिए लंबे समय की बीमारी होती है। क्या परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता? बिल्कुल एक सेकंड में कर सकता है, लेकिन शारीरिक चंगाई अभी इतना महत्वपूर्ण या जरूरी नहीं है जितनी आत्मिक चंगाई की जरूरत है। और जब आप आत्मिक चंगाई प्राप्त करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके शारीरिक चंगाई का भी इंतजाम यहोवा परमेश्वर करेगा। तो इसीलिए मैं चाहूंगा जब हम लोग सब यहां पर खड़े हैं, कोई इधर उधर ना देखते हुए, यहां पे कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, यहां पर हम लोग सब आए हैं, हम सब में कोई ना कोई कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि जो सामने खड़े हैं इनमें कमियां हैं बाकी सब हम लोग बिल्कुल 100% शुद्ध हैं, नहीं, सब में कमियां हैं। और हम में से हर एक को चाहिए कि हम इस नम्रता से हम यहोवा के सामने आए। तो मैं चाहूंगा कोई भी इधर उधर ना देखते हुए सब हर एक जन अपने आंखों को बंद करें और आप लोग वहां पर खड़े अपने लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि ये आत्मिक चंगाई हर एक को चाहिए। हम लोग यहां पर खड़े होकर इस मंदिर में हम अपने हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया बोल सकते हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत दूर हैं यहोवा परमेश्वर से और हमको चाहिए कि हम अपने मन से और दिल से हम यहोवा परमेश्वर के निकट आए और तब ये बाकी चीजें जो हैं ये अपने आप परमेश्वर होने देगा, चंगाई आने देगा। सो मैं चाहूंगा हम लोग सबसे पहले अपने दिल पर एक हाथ को रखें और दूसरे हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं और सबसे पहले आप प्रार्थना मांगिए। मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, आप मांगिए, आप कहिए, पवित्र आत्मा मेरे दिल में एक चंगाई की जरूरत है तो आप मुझे दिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि मुझे किसी को माफ करना है तो आप दिखाओ कौन है वो व्यक्ति और किस चीज के लिए मुझे माफ करना है, मुझे प्रकट करो ताकि मैं माफ करूं, मैं दिल से माफ करूं और हमेशा के लिए माफी उस व्यक्ति के प्रति मैं जताता रहूं। आप मांगिए, पवित्र आत्मा दिखाएगा आपको। प्रार्थना मांगिए, प्रार्थना मांगिए। कई ऐसी बीमारियां हैं जो केवल और केवल इस कारण है कि हमारे अंदर क्षमा ना करने का एक रवैया, क्षमा ना करने का, और क्योंकि हम क्षमा नहीं करते हैं
परमेश्वर भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस चीज में हमको और आपको प्रयास करना है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। सो इस कार्य को आप करिए, अपने अपराधियों को क्षमा करें। हो सकता है किसी ने कुछ बोल दिया हो, आप चोट खाए हो सकता है किसी ने कुछ ऐसा किया हो जिससे आप बहुत ज्यादा चोट खाए हैं, आपका घाव बहुत गहरा है, बहुत लंबे समय से वो घाव आपके अंदर बना हुआ है। हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, हम क्षमा नहीं कर सकते हैं अपने शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए इसीलिए दिया गया है। पवित्र आत्मा की मदद से ये संभव है, और यदि आप इस कार्य को दिल की ईमानदारी से आप करेंगे तो फिर आपकी शारीरिक चंगाई भी 100% चंगा होगा, 100% चंगा होगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के दिन जब आपके ये प्रिय लोग यहां पर खड़े हैं इस वेदी पर, प्रभु ये शारीरिक चंगाई के लिए आए हैं, लेकिन मैं प्रार्थना मांगता हूं सबसे पहले कि ये लोग अपने आत्मा में जांच कर देखें, खुद को परख कर देखें, यदि इनके अंदर कोई कमी है, यदि इनके अंदर कोई ऐसा क्षेत्र है या कोई व्यक्ति जिसके प्रति ये कड़वाहट रखे हैं, क्षमा नहीं किए हैं, पवित्र आत्मा आप मदद करो इनकी कि इनके ध्यान में आए कौन है वो व्यक्ति जिसे इन्होंने माफ नहीं किया है, और इस सभा के बाद में उनका प्रयास यही रहेगा कि उस व्यक्ति के पास जाएं और माफी मांगे या फिर उस व्यक्ति को माफ करें दिल से। पवित्र आत्मा आपकी मदद की जरूरत है, सो हम मांगते हैं कि आप हमारी मदद करो, क्योंकि हमारा इस प्रकार से ताली बजाना बेकार है, इस प्रकार से हाथ उठा के गीत गाना बेकार है यदि हमारे दिल में कड़वाहट है। हम कुछ भी करेंगे इस मंदिर में कोई फायदा नहीं होगा, हमारा भेंट भी आप स्वीकार नहीं करोगे जब तक हम दिल से माफ नहीं करेंगे। सो सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह है प्रभु कि आपके लोग यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा अगले को क्षमा कर सके या फिर खुद माफी मांगे। और फिर मैं प्रार्थना मांगता हूं पिता परमेश्वर कि हर एक जन जो यहां पर खड़े हैं, आपने उनके दिल की गहराई को जांच कर देखा है, आप जानते हैं कौन ईमानदार यहां खड़े हैं। प्रभु जी जिन जिन को शारीरिक चंगाई की आवश्यकता है, मैं प्रार्थना मांगता हूं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से कि आप अपने चंगा करने वाले सामर्थ को इसी समय इनके शरीर में आप भेजो पिता परमेश्वर, ताकि ये आपके नाम में चंगाई को प्राप्त कर सके, आपके नाम में प्रभु इनके शरीर में वो सामर्थ बहने पाए, और जिस भी अंग में प्रभु बीमारी है वो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से वो चंगाई प्राप्त करने पाए, प्रभु जी वो चंगाई प्रकट होने पाए। हालेलुया, और होने दे कि उनके जीवन से ये गवाही निकलने पाए कि उन्होंने अनुभव किया यहोवा परमेश्वर से वो चंगाई जो यीशु मसीह ने दिया है जब इन्होंने अपने दिल को खोलकर ईमानदारी से अगले को माफ किया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा एक मार्ग बनाया है, हमको उस मार्ग पर ही चलना है। आप हमारी मदद करो क्योंकि वो मार्ग सकरा है, कठिन है, लेकिन आपके द्वारा, आपके मदद के द्वारा संभव है। सो हम प्रार्थना मांगते हैं पिता, इनमें से हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा आप मदद करो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप अपनी महिमा के लिए करने को तैयार हैं। हालेलुया, दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाइए, उसको धन्यवाद दीजिए कि या तो पवित्र आत्मा ने आपको दिखाया है या फिर प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया है, दोनों में से एक काम जरूर हुआ होगा आज के सुबह। और यदि पवित्र आत्मा ने आपको कुछ दिखाया है तो फिर उसके अनुसार जाकर करिए, पूर्ण होने दीजिए, आपकी चंगाई पूर्ण होने दीजिए। आपके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में भी नहीं है, ये आपके हाथ में है। जिस घड़ी आप अपना काम को करोगे, यहोवा परमेश्वर अपने कार्य को करेगा, निश्चय ही करेगा, 100% करेगा वो।
धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद।